Hello there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहां मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies जो आपको easily 3 star दिला सके builder base and home base दोनों में। तो अब मैं आपके लाया हूँ TS10 की strategies, last video में हमने देखा था बहुत ही overpowered strategy, giveaway strategy downhole 10 के लिए जो आप easily 3 star कर सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बहुत सारे ऑसम स्ट्रेटजीज आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ TS10 की और स्ट्रेटजी, हो वाइप स्ट्रेटजी। जी हाँ, हो वाइप का मतलब हॉग राइडर प्लस विजार्ड प्लस पेकास, ये भी एक ऑसम स्ट्रेटजी है। पेकास हमारे टैंक है, उनके पीछे विजार्ड सेफ रहेंगे, वो बेस क्लियर कर देंगे, फिर हम डाल देंगे सारे हॉग राइडर। तो आप आर्मी देख सकते हैं, यहाँ मैंने यूज किए 4 पेकास, 7 विजार्ड, 2 आर्चर और 22 हॉग राइडर। स्पेल्स में मैंने लिए 4 हील्स स्पेल, 1 रेज और 1 फ्रीज। क्लैन कासल ग्रुप्स में 5 वॉलर्स, 1 जायंट, 1 पॉइजन और वॉल रेकर। अगर आपको वॉलर्स नहीं लेने तो आप हॉग राइडर भी ले सकते, लेकिन बेस क्लियर करने के लिए मैंने लिए वॉलर। चलिए बढ़ते आज के अटैक की तरफ। बार्बिन किंग और आर्चर क्वीन भी मेरे फुल हेल्थ पे लाइव है। Let's see today's attack guys. देखिए इस बेस पे हम करेंगे अटैक, एक इंफर्नो मल्टी है, एक सिंगल है, देखिए कैसे अटैक कर रहा है। पहले तो आपको डाल देने 4 पेकास, उनके पीछे सारे विजार्ड्स और फिर डाल दीजिए वॉल ब्रेकर। तो हमारे पेकास टैंक की तरह बिहेव करेंगे जिससे विजार्ड सेफ रहेंगे और फिर पाथ क्लियर हो जाए जिससे बार्बेन किंग और आर्चर क्वीन छोड़ दीजिए। बार्बेन किंग और आर्चर क्वीन दोनों अंदर जा रहे हैं और वॉल ब्रेकर सीधा टाउन हॉल की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वॉल ब्रेकर में बॉलर देना जरूरी है। बॉलर जैसे निकले हम डाल देंगे रेज तो बॉलर टाउन हॉल को इजीली डिस्ट्रॉय कर देंगे। हील और रेज डाल दिया है बॉलर्स के ऊपर जिससे कि मल्टी इंफर्नो का डैमेज ना मिले उन्हें, तो टाउन हॉल हो चुका है डिस्ट्रॉयड। मोस्ट ऑफ द बेस इज क्लियर, देखिए 50% हो चुका है बेस क्लियर। फिर अब हम अपोजिट साइड से डाल देंगे हमारे हॉग राइडर्स, देख सकते हैं आप डाल दिए मैंने हॉग राइडर्स सारे के सारे। तो हॉग राइडर्स को हील डालते रहिए, उनके हिट पॉइंट डाउन हो गए तो सो इजीली हॉग राइडर्स अपना काम कर देंगे और अटैक को 3 स्टार कर जाएंगे। यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो बहुत डैमेज दे सकता था तो मैंने फ्रीज डाल दिया था उस पर, अब बचा एक हील और मल्टी इन्फर्नो का डैमेज बढ़ रहा है तो वहाँ पे डाल देंगे हील। मैक्सिमम हॉग राइडर जो है हमारे बचे हुए और डिफेंसिव बचे अब सिर्फ 3, एक कैनन, एक मोर्टार और बॉम्ब टावर हो चुका है डाउन। तो अब 2 डिफेंसिव, मैक्सिमम हॉग राइडर, पेकास सारे के सारे सेफ है, बार्बेन किंग, आर्चर किंग, सो इजीली विदाउट इजीली हमने अटैक कर दिया 3 स्टार। ऑसम अटैक गाइस, देख सकते हैं आप कितने सारे हॉग राइडर्स हमारे बचे हुए। चलिए देखते हैं और एक अटैक सेम स्ट्रेटजी के साथ। पहले आप बेस देख लीजिए अच्छे से, दोनों जो है इंफर्नो मल्टी है तो हम इस कॉर्नर से डाल देंगे सारे पैकर्स और स्लांटली हम डाल देंगे वॉल रेकर। पैकर्स के बीच है विजर्ड, दूसरी कॉर्नर पे मैंने डाल दिया बार्बेन किंग फर्नर क्रिएट करने के लिए और फिर डाल देंगे हमारी आर्चर क्वीन और एक इसी में से निकला है सुपर मिनियन और बलून।
मैंने डाल दिया था पॉइजन और फ्रीज। अब पॉइजन अपना काम कर देगा जिससे सुपर मिनियन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अपने आप और बलून भी हो जाएगा डिस्ट्रॉय। सुपर मिनियन पर डिस्ट्रॉय हो चुके लेकिन बलून बहुत डैमेज दे रहा है और ये वॉल ब्रेकर में से हमारे निकले बॉलर एंड जायंट। तो उन पर फ्रीज और रेज डाल दिया है जिससे भी वो ज़्यादा डैमेज दे सके। यहाँ पे एक बलून बच गया है जो बहुत डैमेज दे रहा है लेकिन हमारी आर्सर भी उसे डाउन कर देगी। फिर हम चालू कर देंगे हमारे सारे हॉग राइडर्स। देखिए ये बेस एक बहुत हार्ड बेस है, इस पर थ्री स्टार करना इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी हम देखते हैं हम कर पाएंगे या नहीं थ्री स्टार। लेट सी गाइस। फुल ऑन एट टी एस 10 मैक्स बेस वो भी एंड भी थ्री स्टार पे हम थ्री स्टार करने की ट्राई करेंगे। व्हाट एन ऑसम। इसके लिए स्ट्रेटजी को बहुत ऑसम होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये स्ट्रेटजी ऑसम है या नहीं। हील्स डाल दिए थे मैंने सारे हॉग राइडर्स के ऊपर, अब बचा है सिर्फ एक डिफेंस। अच्छा टावर डिस्ट्रॉयड। यो हो ऑल डिफेंस इज डिस्ट्रॉय। बचे मास हॉग राइडर्स एंड आर्चर क्वीन जो इजीली अटैक को कर जाएंगे थ्री स्टार अटैक। टाइम हमारे पास बहुत बचा हुआ है, 1 मिनट एंड 15 सेकेंड्स आर लेफ्ट। इजीली हमें अटैक कर जाएंगे थ्री स्टार। हो वाइप ऑसम स्ट्रेटजी, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ये स्ट्रेटजी अच्छे से लर्न कर लीजिए, आपको इजीली थ्री स्टार मिल जाएगा वॉर में इजीली। देख सकते हैं आप कितना इजीली ये अटैक मैंने कर लिया थ्री स्टार एक एंटी थ्री स्टार बेस के ऊपर। ऑसम स्ट्रेटजी। लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। सीसी की डायरेक्शन में हम डाल देंगे हमारे पैकास, उनके पीछे विजार्ड्स। देखिए पैकास डाल दिए उनके पीछे विजार्ड्स, फिर वॉल ब्रेकर, फिर हम डाल देंगे बार्बिन किंग और आर्चर क्वीन। वॉल टूट चुकी है तो हमारे पैकास जा रहे हैं अंदर। सीसी में से निकला हेड हंटर, बलून और सुपर मिनियन। सो पॉइजन और फ्रीज डाल दिया मैंने। इन्फर्नो ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया है। ये देखिए हमारे विजार्ड ने बलून को डाउन कर दिया और हमारे जो बॉलर थे वो रेज और हील के साथ फास्ट एक्शन काम कर रहे हैं। तो हम डाल देंगे हमारे हॉग राइडर्स। थोड़ी देर बाद हॉग राइडर्स पे डाल देंगे हील जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। और दूसरी साइड पे हमारा बार्बिन किंग और आर्चर क्वीन दोनों है। इन्फर्नो ने बार्बिन किंग को डाउन कर दिया है लेकिन हमारे आर्चर क्वीन इन्फर्नो को डाउन कर देगी। और यहाँ पे हमने डाल दिया हील हॉग राइडर्स के लिए। अब बचा है एक हील और दो डिफेंस हील, आर्चर टावर और एक्सबो। तो अब जैसे एक्सबो की तरफ ये लोग बढ़ेंगे मैं डाल दूंगा लास्ट हील जिससे कि हॉग राइडर्स हो जाएंगे फुल हेल्थ पे और हमारा अटैक हो जाएगा थ्री स्टार पे। और ये आप देख सकते हैं इजीली कैसे मैंने थ्री स्टार कर दिया है TH10 मैक्स बेस को। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, इजीली आप कोई भी बेस को थ्री स्टार कर सकते हैं वॉर में भी और मल्टीप्लेयर अटैक्स में भी। बस आपको अपने ट्रूप्स मैक्स करने और अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो कोई भी स्ट्रेटजी आपकी कभी भी फेल नहीं होगी। जितना अच्छी प्रैक्टिस होगी स्ट्रेटजी की उतना अच्छा आपको फल मिलेगा थ्री स्टार के रूप में। और ये अटैक हो चुका है हमारा थ्री स्टार। ओवर पावर्ड। लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। ये आ गया हमारा टफ वाला बेस। चलिए देखते हैं यह स्ट्रेटजी यूज करके हम इस पे थ्री स्टार कर पाते या नहीं। देखिए सीसी की एक साइड से हम डाल देंगे सारे पैकास और यहाँ पे सीसी में से निकल चुका है सुपर मिनियन और बेबी ड्रैगन। पैकास के बीच है विजार्ड्स, विजार्ड्स के बीच है वॉल रेकर, उनके बीच है
बारबेरियन किंग एंड आर्चर किंग। ये देखिए यहाँ पे सुपर मिनियन बहुत डैमेज दे रहे हैं, तो पॉइजन अब उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये सुपर मिनियन हो चुके हैं डाउन, विजार्ड ने कर दिया बेबी ड्रैगन को डाउन। तो अब हम चालू कर देंगे हमारा अटैक, थोड़ी देर वेट करके हम डाल देंगे सारे हॉग राइडर्स। ये देखिए सेंटर में हमारे बॉलर्स पहुँच जाएंगे अब, और उन पर डाल दीजिए रेड, तो टाउन हॉल डिस्ट्रॉयड। इसीलिए मैंने कहा था कि आप बॉलर्स लीजिए, अगर यहाँ पे हॉग राइडर्स होते तो इन्फर्नो को ही डाउन कर दे, टाउन हॉल आपका डाउन नहीं हो पाता। देखिए दोनों इन्फर्नो को डाउन कर दिया हमारे बॉलर्स ने, टाउन हॉल भी डाउन। सो इट्स एन ऑसम स्ट्रेटजी गाइस, 62% डैमेज ऑलरेडी मिल चुका है। सब हम कॉर्नर पे से डाल देंगे हमारे सारे हॉग राइडर्स। ये स्ट्रेटजी ने बेस तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, 62% का डैमेज हमें पैकर्स नहीं दे दिया, पैकर्स बॉलर्स ने। व्हाट एन ऑसम अटैक। सो अब बचा है सिर्फ एक डिफेंस एक्सबो, हॉग राइडर्स ने उसे कर दिया डिस्ट्रॉय। सो अब हॉग राइडर्स बारबेरियन किंग और आर्चर किंग को डाउन करने जाएंगे। लास्ट हील बचा था तो मैंने ऐसे डाल दिया है, और ये हमारे हॉग राइडर्स बारबेरियन किंग और आर्चर किंग के बीच में फंस गए और हो चुके डाउन। लेकिन फिर भी हमारी आर्चर किंग फुल हेल्थ पे, हिट पॉइंट्स उसके बचे हुए, एबिलिटी बाकी है, तो इसीलिए अटैक हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार। देख सकते हैं आप सारे टफ से टफ बेस पे ये स्ट्रेटजी यूज करके मैं 3 स्टार कर पा रहा हूँ। सो आप सोच सकते हैं कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी है, इसे अच्छे से यूज करिए तो आपको भी 3 स्टार मिल जाएंगे। लेट अस सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी, एक लाइव अटैक करेंगे मल्टीप्लेयर बैटल में। लेट्स रोल ऑन फॉर द अटैक। वॉर में हम अटैक करने जा रहे हैं, सोच सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट अटैक होगा ये, जो वॉर में हम ये स्ट्रेटजी यूज करके करने वाले हैं। कैन कासल का वो पोजीशन देख लीजिए, उस साइड से हम डालेंगे पैकर्स। जैसे ही हमारा फनल हो जाएगा ये हम डाल देंगे वॉल ब्रेकर, इससे सब अंदर जाएंगे और जो है कैन कासल टूप निकल जाएंगे, जिससे विजर्ड और आर्चर क्वीन डाउन कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए मैंने स्ट्रेटजी हॉग राइडर्स डाल दिए, सीसीडी एमटी, दो हॉग राइडर मैंने ऐसे यूज किए ताकि सीसी को चेक कर सकूं उसमें कुछ है या नहीं। ये हमारा वॉल ब्रेकर खुल चुका है जिसमें से निकले बॉलर्स, तो हम उन पर रेज और हील डाल देंगे। इन्फर्नो यहाँ पे बहुत डैमेज दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा टाउन हॉल वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो बॉलर्स आर ऑसम इस सीसी के लिए, टाउन हॉल भी डिस्ट्रॉय कर दिया, एक इन्फर्नो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखिए 53% डैमेज हमें ऐसे ही मिल चुका है। तो अब हम डाल देंगे हमारे हॉग राइडर्स, हमारा बचा हुआ था ये सीसी ट्रूप नहीं थे। देखिए कितनी आसानी से हमने अटैक 3 स्टार कर पा रहे हैं। लास्ट चीज बचा था तो वो मैंने डाल दिया है, आर्चर पीन और वार्बेन किंग वहां पे अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे बचा एक पैका और एक विजार्ड। तो गाइस देख सकते हैं इजीली मैंने वॉर में अटैक 3 स्टार कर दिया है थैंक्स टू दिस ऑसम स्ट्रेटजी। सो आप इसे यूज़ करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑसम स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ फ्यूचर में। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।